नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मार्केट एनालिसिस के अंदर में। आज बाजार बेहद बुरी तरह से गिरा है और लोगों में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे ऐसी चार मेन वजह जिसकी वजह से बाजार गिरा है, और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है। आखिर में ऐसे कुछ स्टॉक्स बताने की कोशिश करूंगा जहां पे पोजीशंस बना सकते हैं, ऐसे फॉल में भी अपॉर्चुनिटी तलाश की जा सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही सीरियस वीडियो है। तो जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जो डर रहे हैं कि बाजार में हाहाकार हो गई है, क्रैश हो गया है, फिर से बाजार 16,000 आएगा, 18,000 चला जाएगा या 14,000 आ जाएगा, ये सब सवालों के जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बाजार में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी फॉल एक वजह से होती है, कोई भी करेक्शन एक वजह से होती है, बट एवरी करेक्शन एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन मार्केट, जो ट्रेडर्स हैं वो तो डरेंगे, वो तो शायद बाजार में लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे, बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमेशा एक मौका होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी चार मुख्य वजह है जिसकी वजह से आज बाजार गिरा है। दोस्तों, जहां मार्केट 70,475 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहीं आज मार्केट सीधा गैप से नीचे खुली और 237 के आसपास का सुबह में हाई लगा, उसके ऊपर बाजार बिल्कुल नहीं जा पाया। सुबह लाइव एनालिसिस किया था, लाइव सेशंस किए थे 9:15 पे। आज मैं बॉम्बे में था और कल हमारा फिनक्लेयर था, आपको मालूम है, बड़े बड़े स्टार यूट्यूबर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं स्टॉक मार्केट फैमिली के, सबसे मुलाकात हुई, उनके भी कुछ झलक मैंने आपको आज सुबह के लाइव सेशन में दिखाई थी। तो वहाँ हमने जो एनालिसिस किया था बहुत ही क्लियरली, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, वापस दिल्ली आना था और मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, बस बैग रखा और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। हम क्लियर थे कि 17,025-30 के आसपास में अगर निफ्टी आती है वहाँ से एक बाउंस करने को मिलेगा, वहाँ से बाउंस कम से कम 100 से 150 पॉइंट का बाउंस मिल सकता है। आप देखेंगे तो पूरा क्लियर कट जो बाउंस आपको देखने मिला है एग्जैक्टली उसी लेवल पे 17,070 के आसपास में लो लगा, और वहाँ से उसके बाद 17,180 के आसपास में बाजार चला गया। तो 100 पॉइंट्स आपको मिले हैं ऐसे खराब फॉल के अंदर भी, जहाँ बाजार डाउन ट्रेंड में था वहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली। तो बाजार में डरना मना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी को तलाश करना आना चाहिए कि बाजार कैसा चल रहा है। प्लीज़ लाइव सेशन में डेली आइए, डेली 9:15 पे बाजार को लाइव देखेंगे, आपके लाइफ से डर निकाल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और बाजार को जितना सिंपल तरीके से देखेंगे उतना ही मजा आने वाला है। कहीं चलिए सबसे पहली वजह देखते हैं बाजार में कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बाजार गिरा। सबसे पहली वजह है क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस। आप प्राइसेस को देखने की कोशिश कीजिए जो $100 को पार कर चुके हैं, $107 के आसपास में चल रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो डायरेक्टली क्रूड ऑयल से रिलेटेड है ही है, तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगी तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली, तो ये सबसे बड़ा पैनिक रहता है कि अगर क्रूड ऑयल $100 के पार दोबारा चला गया तो चीज़ें शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी वजह रही। तो काफ़ी दिनों से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो $100 के नीचे चल रहे थे, तो दोबारा $100 के पार क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जाते हुए देखा है, तो ये सबसे बड़ी वजह बाजार देख रहा है, क्योंकि जब लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मार्केट में गिरावट आनी होती होती है। दोस्तों, गिरावट की दूसरी वजह रही है यूएस का डॉलर इंडेक्स जो 100 के पार जाता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही रेयर होता है और ये बाजार के ऊपर प्रेशर डालता ही डालता है। जो दिग्गज है मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ये बहुत ही मेजर वजह दिखाई दे रही है कि डॉलर इंडेक्स 100 के पार जाता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो डिग्रेड होती दिखाई दे रही है, डाउनग्रेड होती है, रुपी कमजोर होता दिखाई देता है, तो हमारी इक्विटी मार्केट्स में सेलिंग आना लाजमी है। तीसरी जो मुख्य वजह है वो है यूएस की बॉन्ड यील्ड्स जो 2.83% पे चल रही है, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। जनरली अगर देखा जाए तो 1.5 के आसपास में यूएस बॉन्ड यील्ड हमेशा रहती है, बट जब डेट मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं तो यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनको रिस्की समझा जाता है और डेट मार्केट की तरफ में काफ़ी पैसा निकल के वहाँ जाता है, सेफ एसेट क्लास की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो ये माइग्रेशन चलता रहता है, मार्केट का और बॉन्ड यील्ड का बहुत ही क्लियर कट रिलेशनशिप है। जैसे ही बॉन्ड यील्ड ईज होती है तो मार्केट परफॉर्म करने लग जाती है, बॉन्ड यील्ड राइज करती है तो मार्केट्स गिरने लग, तो ये तीसरी सबसे बड़ी वजह रही। दोस्तों, चौथी वजह जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अगर आप देश के बेस्ट ब्रोकर के साथ लिंक खोलना चाहते हैं और आप मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी ब्रोकर हैं, अगर आपका किसी में अकाउंट नहीं है तो उसके साथ अकाउंट खोल के आप हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको हमें प्रूफ देना हो कि आपने हमारे ही लिंक से अकाउंट खोला है, नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं नीचे आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के बाद में। मास्टर ट्रस्ट के साथ अगर खोलते हैं, क्योंकि मास्टर ट्रस्ट में मेरा अपना खुद का अकाउंट है, वहीं पे मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, तो अगर वहां आप करते हैं तो आपको 2 महीने का इनिशियल कैलकुलेटर का एक्सेस फ्री मिलता है, और बाकी किसी के साथ आप करते हैं तो 1 महीने कैलकुलेटर एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, बट शर्त यह रहेगी कि आपको वहां पे एक्टिव रहना होगा। इट इज प्योरली गिव एंड टेक, आप एक्टिव रहिए, मैं आपको कैलकुलेटर का एक्सेस एक्टिव करके दूंगा। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी वजह बाजार के गिराने में रहा निफ्टी आईटी का और निफ्टी बैंक का हाथ। अगर पूरे इंडाइसेस को देखने की कोशिश कीजिए तो ऑटो सेक्टर प्लस में था, एफएमसीजी प्लस में था, एनर्जी प्लस में था, कमोडिटीज कहीं के प्लस में था, रियलिटी भी गिरा, बट 4.58% आईटी गिरा, 1.96% 2% से ऊपर बैंक गिरा। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही जो इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया
उसके बाद बाजार गिरा। HDFC का रिजल्ट, उसने मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट को शायद कुछ और चाहिए था जो बाजार को शायद नहीं मिलते। इन्फोसिस टैंक्स 9% पोस्ट Q4 रिजल्ट्स। बट क्या ये वही दो स्टॉक्स हैं इन्फोसिस और HDFC बैंक जो मुझे लगते हैं यहाँ पोजीशंस बनाई जा सकती? जी हाँ, HDFC बैंक भी रिजल्ट के बाद गिरा है। दोस्तों ये वो दो शेयर हैं जो इंडेक्स में बहुत हैवी वेटेज रखते हैं, IT के अंदर में और बैंकिंग के अंदर में। तो यही दोनों शेयर्स में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी है तो क्या हम वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। आखिरी के क्षणों में इन्फोसिस के अंदर में एक बाइंग देखने को मिली है आज के डेली चार्ट के ऊपर में। हालांकि बाजार गैप से खुला है, पर गैप से खुलने के बाद भी देखिए दिग्गज शेयर है बाजार, एक टाइम 9% गिरने के बाद में कंसोलिडेशन मिली है। तो यहाँ पे निचले स्तर पे अच्छी खासी बाइंग दिखने वाली है। आपको भी इसमें अपनी एनालिसिस करके बाइंग ढूंढनी चाहिए, और HDFC बैंक भी दूसरा शेयर वो रहेगा जिसमें आप बाइंग ढूंढ सकते हैं। तो ये वो दो शेयर है जो दिग्गज हैं। मैंने कहा था 1400 के आसपास में आ सकता है, लाइव एनालिसिस में ही आपको मैंने बताया था 1400 के आसपास बाजार आ चुका है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। कोविड का एक माहौल दोबारा से दिखाई दे रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट दीज फोर रीजंस विच आई कैन सम अप फॉर यू इज दी IT एंड बैंकिंग स्टॉक्स नंबर 1, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस नंबर 2, US डॉलर इंडेक्स नंबर 3 एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड नंबर 4। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट डरना मना है। हर मौके में अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए अच्छी बाइंग करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा से कहते हैं यार मेरे हाथ से छूट गया, नहीं छूटा, लो आ गया। अगर प्राइस आपके आसपास आ रहा है तो अब क्यों डर रहे हैं आप? एक टाइम था जब इन्फोसिस 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप सोचते रहे कहीं 1600 आएगा तो लेंगे। आज 1600 आया है तो आज आपको डरना जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, अपनी स्टडी कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। HDFC बैंक जो 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर वो आज 1400 के आसपास खड़ा है तो अच्छी खासी करेक्शन उसमें हो गई है, और HDFC DO का मर्जर भी होने वाला है। तो ऐसे में अगर HDFC बैंक आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड वॉच ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंडर्स फिर से दे देता हूँ कि हम डेली 9:15 पे लाइव आते हैं, लाइव मार्केट में एनालिसिस, आपके सवाल लिए जाते हैं, आपके स्टॉक्स लिए जाते हैं, और लाइव देखते हैं बाजार में कि हमें कैसे ट्रेड करना है। कोई ऑफलाइन एनालिसिस नहीं, प्योरली लाइव एनालिसिस। तो आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए। दूसरी अनाउंसमेंट कि हमारी 24 तारीख को 24 अप्रैल को दिल्ली की मास्टर क्लास है, 1 डे सुपर मास्टर क्लास, जहां पे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस को सीखने वाले हैं, इक्विटी को सीखने वाले हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ऑप्शन चेन को सीखने वाले हैं। क्या लेना है, क्यों लेना है, कहां लेना है, कितना लेना है, यही तो चार सवाल है एक ट्रेडर के और इन्वेस्टर्स के। तो ये सारी चीजें सीखने वाले एक दिन के सुपर मास्टर क्लास में, तो कम एंड ज्वाइन द क्लास। चलिए मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और सुबह 9:15 बजे मिलना मत भूलिएगा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।